नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्प 2 का, जो 30 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न के सारा वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले, अगर अभी तक आपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, देख लेते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के सारा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न डेली की तरह सेम रहा था। हिंदी के 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज जिसमें राजस्थान जीके और करंट जीके आता है उसके भी 30 क्वेश्चन, और जीएस यानी जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों, लगभग 70 क्वेश्चन है वो जीके एंड जीएस और हिंदी के आते हैं। तो दोस्तों, जिनका हिंदी, जीके और जीएस कंप्लीट है वो एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ उत्सव किस जिले में मनाते हैं? मारवाड़ उत्सव, तो दोस्तों इसका उत्तर है जोधपुर में। नेक्स्ट एग्जाम में अन्य उत्सवों के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे बीकानेर उत्सव, थार महोत्सव, इन सभी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बांकली बांध किस जिले में है? तो दोस्तों, जालौर में। और बांकली बांध है ना दोस्तों, वो है सूकड़ी नदी के किनारे पर बनाया गया है। ओके, और ये सूकड़ी नदी है, ये है लूणी नदी की सहायक, और जो जालौर जो शहर है ये सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो दोस्तों, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था खातौली का युद्ध, तो आपको याद रखना है। युद्धों से रिलेटिव दोस्तों, प्रत्येक शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो उनकी डेट पूछी जा रही है और युद्ध में भाग लेने वालों के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी का संबंध है जयपुर जिले से। अगला क्वेश्चन, भेड़ अनुसंधान केंद्र किस जिले में? तो दोस्तों, भेड़ अनुसंधान केंद्र है टोंक जिले में। अनुसंधान केंद्रों से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जौहड़ बीड़, बीकानेर, ये पूर्व के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, सरसों अनुसंधान केंद्र, ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर है, सेवर भरतपुर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेवर भरतपुर में, ये भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में 2018 में कौन से डीजी फेस्ट का आयोजन हुआ? तो दोस्तों, बीकानेर में जो डीजी फेस्ट का आयोजन हुआ वो चौथे क्रम का था। कौन से क्रम का था? चौथा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में राजस्थान का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन, सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है जोधपुर रेलवे स्टेशन। A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन था जोधपुर रेलवे स्टेशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देश का कुल कितना परसेंट वन है? कितना प्रतिशत वन है? तो दोस्तों, इसका 3.08%। जो पूरे भारत का वन क्षेत्रफल है उसमें से 3.08% वन क्षेत्रफल राजस्थान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणगंगा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो दोस्तों, बाणगंगा नदी है उस पर रामगढ़ बांध बना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जरगा पर्वत किस जिले में? तो दोस्तों, जरगा पर्वत है उदयपुर जिले में। पर्वतों से रिलेटिव भी क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि राजस्थान को मरुकांतार किसने कहा? तो दोस्तों, राजस्थान को मरुकांतार कहा था महर्षि वाल्मीकि ने, ये भी आज के शिफ्ट में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों, राजस्थान की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन, ये साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि परमाणु के जो तीन पार्ट है, एक तो प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन।
ध्यान रखना दोस्तों, इनकी खोज किस किस ने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, याद रखना गोल्डस्टीन, किसने की? गोल्डस्टीन ने। लेकिन जो प्रोटॉन नाम है ये दिया था रदरफोर्ड ने। कई कन्फ्यूज रहते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने तो प्रोटॉन नाम है दिया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने। और ये न्यूट्रॉन जो आज पूछा गया है, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आने वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने दी, या नाम किसने दिया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी साइंस से पूछा गया कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि बच्चों के मस्तिष्क में बुखार हुआ हो तो कौन सी बीमारी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है इंसेफ्लाइटिस रोग, जिसे कहते हैं मस्तिष्क ज्वर। ये दोस्तों इंसेफ्लाइटिस रोग है, ये जिस वायरस के कारण होता है उसी के नाम पर यह रोग का नाम रखा गया है। और वायरस का नाम क्या है? इंसेफ्लाइटिस वायरस, के कारण मस्तिष्क ज्वर होता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान राज्यपाल है, ये करंट जीके से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन क्या है? तो दोस्तों वर्तमान राज्यपाल है कल्याण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर है दौसा में। कहाँ पर स्थित है? दौसा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इसबगोल के उत्पादन में प्रथम स्थान है जालौर का। जैसे पूर्व के एग्जाम में पूछा गया था कि धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो दोस्तों धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? बारां का। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे कि किसके उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताल छापर अभयारण्य किस जिले में है? तो दोस्तों अभयारण्यों से रिलेटिव प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको विशेषकर देखना है। तो ताल छापर अभयारण्य चूरू जिले में, जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए। 20वां क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम स्थान है, भारत में अगर सीमेंट उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, मेसा का पठार किस जिले में है? तो दोस्तों मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ जिले में। अगर बात करें दोस्तों मेसा का पठार है, इसी पर ही चित्तौड़गढ़ किला निर्मित है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो वेटरनरी कॉलेज किस जिले में है? तो दोस्तों अपोलो वेटरनरी कॉलेज है वो है जयपुर में। 23वां क्वेश्चन, पाली की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो दोस्तों पाली की सीमा लगती है 8 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ है? 8 जिलों के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पांचना बांध किस जिले में है? तो दोस्तों पांचना बांध है करौली में। और ये जो बांध है ना दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, जो जिनके भी आगे एग्जाम है, तो वो बांध अभयारण्य और संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, ये विशेषकर देख कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि बनेश्वर धाम का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डूंगरपुर में। बनेश्वर धाम का मेला है वो डूंगरपुर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, फुलवारी की नाल अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फुलवारी की नाल अभयारण्य वो उदयपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपको मालूम है, इस वीडियो में हम बात करें फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं, और जो भी क्वेश्चन हमें नहीं मिले हैं, और जो भी फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं जिसने आज एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट, जो भी मित्र आज एग्ज़ाम देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आप जितने भी क्वेश्चन आपको याद है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि जो भी अन्य दोस्त देखेंगे उन्हें भी बेनिफिट हो सके। तो आपको जितने भी क्वेश्चन याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पाथल और पीथल की रचना किसने की? तो दोस्तों पाथल और पीथल की रचना की कन्हैयालाल सेठिया ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबानेरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अबानेरी दौसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। 31वां क्वेश्चन है, मावठ क्या है? तो दोस्तों शीतकाल में जो वर्षा होती है ना उसे कहते हैं मावठ, और मावठ किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण। यह भी याद रखना दोस्तों, मावठ है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। 32वां क्वेश्चन है, ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ब्लू पोटरी है जयपुर की, और ब्लू पोटरी के जादूगर किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को। यह भी याद रखना दोस्तों, ये सीकर जिले के थे, कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोटरी का जादूगर कहते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों राजस्थान में वन अधिनियम पारित हुआ था 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यह पूछा गया है कि अमीबा की उंगलियों को कहते हैं, तो दोस्तों अमीबा की उंगलियां तो होती नहीं है, और उसके होते हैं कूटपाद, क्योंकि अमीबा की आकृति होती है वो ऐसी होती है, और इसमें एक केंद्रक होता है, और ये कूटपादों के सारे ही गति करते हैं, तो कूटपाद होते हैं अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर है निकोला टेस्ला ने। एसी मोटर का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है राइट बंधु ने। और जो आविष्कार है ना दोस्तों, प्रत्येक सीट में दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आविष्कार से, तो लगभग सभी को मालूम पहले ही चल गया कि आविष्कार से रिलेटिव दो क्वेश्चन प्रत्येक सीट में पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना। अगला क्वेश्चन है, फोटोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश स्रोतों की ज्योति तीव्रता मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भामाशाह डिजिटल योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी राजस्थान ने, जो वसुंधरा राजे की सरकार थी उसने भामाशाह डिजिटल योजना की शुरुआत की थी। और 39वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों डूंगरपुर जिला है वो आता है उदयपुर संभाग के अंतर्गत। आपको दोस्तों मालूम है कि राजस्थान में 7 संभाग है, और 7 संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं ये सभी आपको याद है होने चाहिए। मैं आपको याद करवा देता हूँ, अजमेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, याद कैसे रखेंगे आप? अभी ना टोंक। तो दोस्तों ऐसे अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टोंक से टोंक, ये 4 जिले अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और जयपुर संभाग में कौन से जिले आते हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। तो आपको याद कैसे रखना है, ट्रिक बता देता हूँ, जदों असी झुंझुनू गए, जैसे जयपुर, दो से दौसा, ऐसे अलवर, सी से सीकर और झुंझुनू से झुंझुनू। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। इसके बाद करें बात बीकानेर की, तो बीकानेर के याद रखने के लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। आप याद कैसे रखना है, बिगा चूआ, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू, ऐसे हनुमानगढ़, तो आपको याद रह जाएगा। और बात करते हैं कोटा संभाग की, कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा, बू से बूंदी, को जा बाबू। इस ट्रिक से आप कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों को याद रख सकते हैं। अब बात करें उदयपुर संभाग की, उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं? 6। आपको याद रखना उदय प्रताप रांची में डूबा, उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, राज से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। तो ये 6 जिले आते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग की, जोधपुर संभाग में भी 6 जिले आते हैं, उदयपुर और जोधपुर संभाग दो ऐसे संभाग हैं जिनमें 6-6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं देख लीजिए दोस्तों, जोधपुर में एक तो 3 तो जे जे से स्टार्ट होने वाले आते हैं, जे से जोधपुर, जे से जैसलमेर, जे से जालौर, और बी से बाड़मेर, एस से सिरोही, पी से पाली, ये 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत। और बचे वो भरतपुर संभाग में आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, स्वयंमाधोपुर और करौली। तो आपको ये 33 जिले मैंने बता दिए, आपको ये कंटेस्ट कर लेने, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगमंदिर महल किस झील में स्थित है? तो दोस्तों जगमंदिर महल है वो पिछोला झील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितनी जिले हैं? तो दोस्तों राजस्थान में 33 जिले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 42वां क्वेश्चन पूछा गया, करंट जीके से राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है प्रदीप नंद्राजोग। दोस्तों ये दिल्ली के पहले मुख्य न्यायाधीश होते थे और वर्तमान में ये राजस्थान के 35वें मुख्य न्यायाधीश है, तो आपको याद रखना है। 43वां क्वेश्चन, कणकती आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों कणकती आभूषण पहना जाता है कमर पर, जैसे कल के एग्जाम में पूछा गया था कि चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो दांत में। ऐसे भी आगे आभूषणों से रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है बाड़मेर जिले में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हिंदी से कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए। तो पर्यायवाची शब्द की बात कर लेते हैं, बिजली का पर्यायवाची, पत्ता का पर्यायवाची, ब्राह्मण का पर्यायवाची, दांत का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची और गणपति का। ये सभी पर्यायवाची शब्द आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो पर्यायवाची और विलोम शब्द की बात करते हैं, विलोम शब्द परलोक, ऊंचा, विशाल, मंगल, प्रमुख, शांत, ये सभी विलोम शब्द आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। जो भी दोस्तों इस वीडियो में विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, वो आपको इस अगर आपको याद है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मुहावरे कौन से पूछे गए? लोहे के चने चबाना, रंग जमाना, चोली दामन का साथ, तिल का ताड़ करना, बादल छा जाना, ये सभी मुहावरे आज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछे गए, जो कोई पक्ष न ले, निष्पक्ष, जो कभी जीता ना जा सके, तो दोस्तों अजय। ये क्वेश्चन आज वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछे गए थे। तो दोस्तों हिंदी में यही पूछे जा रहे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, समास, पर्यायवाची शब्द, एक पैसेज पर 4-5 क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश में भी वन वर्ड, इंग्लिश में साइनोनिम्स और सेंटेंस को अरेंज करना, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको मालूम है इंग्लिश में 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें से 3-4 क्वेश्चन सेंटेंस को अरेंज करना यहाँ से भी आ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।